महेंद्र सिंह धोनी ने फैंस को दे दी है बड़ी खुशखबरी। आईपीएल के संन्यास पर कर दिया है बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट की और नई वीडियो में। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फैंस को क्या दिया है बड़ी खुशखबरी। अब आईपीएल से कब संन्यास लेंगे धोनी, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन और चाहते हैं कि आईपीएल का सीजन अगला महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखाई दे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों, आईपीएल से जुड़े छोटे बड़े अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते देखते हैं आज क्या पूरी अपडेट। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग टीम के बीच आईपीएल 2023 का 45वां मुकाबला भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। दोस्तों इस मैच में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी लखनऊ को सौंपकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच धोनी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि वो कब आईपीएल से संन्यास लेंगे और कब तक खेलेंगे। दोस्तों बात करें कब लेंगे महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल से संन्यास, तो दोस्तों भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां उन्होंने खुद का इस बात पर खुलासा किया है कि वो कब आईपीएल से संन्यास लेने वाले हैं और कब तक आईपीएल खेलेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अपने फेयरवेल सीजन का आनंद ले रहे हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया हल्की मुस्कान के साथ। धोनी ने कहा, हाँ आपने फैसला किया है कि मेरा आखिरी आईपीएल है, मैंने नहीं किया। मतलब साफ है कि धोनी इस साल शायद आईपीएल को अलविदा कहेंगे और वो आईपीएल 2024 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की दूसरी बड़ी वजह भी है। दोस्तों दरअसल माही को चेन्नई ने आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी से पहले रिटेन किया था, जिसका मतलब होता है कि खिलाड़ी अगले 3 साल तक उस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह सकता है, तब तक जब तक फ्रेंचाइजी उसे रिलीज ना कर दे। अब आईपीएल चेन्नई को रिलीज करने वाले है नहीं। वही दूसरी वजह यह है कि धोनी चेन्नई की फ्रेंचाइजी अब तक माही के कप्तान का विकल्प नहीं ढूंढ पाई है। दोस्तों आईपीएल 2022 में जब कुछ सीजन के मैच में दोस्तों जडेजा ने कप्तानी संभाली थी, लेकिन इसके बाद मजबूरन धोनी को फिर से कप्तानी संभालनी पड़ी थी क्योंकि टीम का प्रदर्शन काफी खराब हो गया था। ऐसे में एक बड़ी वजह यह भी है कि धोनी संन्यास नहीं लेंगे। इसी से एक बात और है कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को मझधार में छोड़कर जाने वाले धोनी नहीं है। टीम इंडिया में भी उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी के विकल्प के तौर पर तैयार किया था और उनकी कप्तानी में खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। ऐसे में भी यहां कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि अभी तक उनकी कप्तानी का विकल्प नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की जानकारी पर इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र धोनी को अब आईपीएल से संन्यास लेना चाहिए या नहीं, और सीएसके का नया कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए, आप अपनी व्यक्तिगत राय हम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।